Good evening, good evening. तो ये है साई, साई मंजरेकर. दबंग, yes, दबंग. ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में. एक के बाद दबंग 1 में थे, अब बेटी है दबंग 3 में. जी बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को बहुत दूर उठ के जाना पड़ रहा था आईफा में परफॉर्म करने के लिए. सबको सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है. जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत. दबंग 3 का पोस्टर आ गया है जी, मोशन पोस्टर आया है जी, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, लोगों ने पसंद किया ये? जी हाँ जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है. आप कुछ कहना चाहेंगे आज पहली बार इंट्रोडक्शन सलमान? I feel very privileged to be here. इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले, सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप, एंड टुडे इट्स या और मेरे पास उसी तरह से बुलंदियां आई नहीं है. जी उसी तरह से बुलंदियां आई नहीं है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी. पिक्चर काफी कर जी, अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी. मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी. जी हाँ, उसका एक डिफरेंट पिक्चर या टीजर जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है. तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा. तो आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखो तो बहुत अच्छा काम किया है. जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीजन 13. ईद पर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी. अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर ही आएगी.